दोस्तों अगर आपके पास 50 रुपए तो आप पी सकते हो ऊंटनी का दूध। तो लोगों की डिमांड आई थी कि अमूल कैमल मिल्क के बारे में बताइए। मुझे पता नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट है ये मिल्क पेस्टराइज है, यानी इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है। एंड इसका टेस्ट थोड़ा हटके है क्योंकि थोड़ा सा सोल्टी है। एंड इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं है। एंड इसका टेक्सचर भी काउ मिल्क जैसा, यानी आप पीकर सेटिस्फाइड तो हो जाओगे। लेकिन ऊटनी का दूध पिए क्यों, इसमें कोई बेनिफिट भी है? तो हाँ जी, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़िया है। एंड अगर आप डायबिटिक हो तो फिर तो आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। एंड इसमें लैक्टोफेरिन एंड इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बाय द वे, अगर आप नहीं जानते हो तो खराई कैमल की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, लोग उन्हें बेचते जा रहे थे क्योंकि उनका कोई काम नहीं था। लेकिन जब से वहां पे अमूल ने मिल्क प्लांट लगाया, उसके बाद खराई पॉपुलेशन भी बच रही है और जो वहां पर लोग रहते हैं उनको भी एक बिजनेस मिल गया है। वैसे तो मैं अमूल वालों का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये